हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास टेंथ मैथ चैप्टर 14 पर्सनावली 14.4 का एक नंबर। निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। दैनिक आय दिया हुआ है 100 से 120, 120 से 140, और श्रमिकों की संख्या भी दिया हुआ है। श्रमिकों मतलब मजदूरों की संख्या 12, 14, 8 इसी तरह दिया हुआ है। सवाल में आगे क्या बोल रहा है, उपयुक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उनका त्वरण खींचिए। त्वरण खींचने बोल रहा है ग्राफ। पहले इसको हम लोग सीधा करके एक टेबल बनाएंगे ऐसे, और एक तरफ लिखेंगे दैनिक आय और दूसरी तरफ लिखेंगे श्रमिकों की संख्या और एक तरफ लिखेंगे संचयी बारंबारता। देखिए हम लोग का टेबल तैयार है, तो हम लोग क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ 12 है तो डायरेक्ट यहाँ 12 लिखेंगे, जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे 26 में तो 34 हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। संचयी बारंबारता निकाल लिए। त्वरण में हम लोग को बोल रहा है कम प्रकार, कम प्रकार दैनिक आय में कैसे हम लोग लिखेंगे, 120 से कम और 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम। तो एक टेबल में हम लोग लिखेंगे एक तरफ दैनिक आय रुपयों में और एक तरफ इसको संचयी बारंबारता को लिखते हैं। उसके लिए एक टेबल तैयार करते हैं। टेबल तैयार है, हम लोग क्या बोले थे, एक तरफ लिखेंगे दैनिक आय रुपयों में संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या दिया हुआ है, क्या निकाले हैं, 12, 50। संचयी बारंबारता निकाले और दैनिक आय, दैनिक आय हम लोग क्या बोले थे 120 से कम, तो क्या लिखेंगे, कम प्रकार ना निकालने बोल रहा है, तो 120 से कम। फिर 200 से कम, इस तरह हो गया। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखिए हम लोग ग्राफ बनाने से पहले यहाँ लिख लेते हैं 120 12, ये दोनों को लिख लिए। इसके बाद 140 से 26, इसके बाद 160 से 34, इसके बाद 180 से 40, इसके बाद ये वाला 200, इसके बाद 50। इस तरह हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग ग्राफ का तैयारी करते हैं। चलिए देखिए हम लोग ग्राफ में आ चुके हैं। हम दो लाइन खींचेंगे, एक ठो वाई अक्ष और एक्स अक्ष, तो इसका नाम रखते हैं एक्स डैश, यहाँ पे एक्स अक्ष, इसके बाद इसको वाई डैश और ऊपर लिख देंगे वाई अक्ष। तो हम लोग कैसे लेंगे ग्राफ में, देखिए इसमें एक्स वाले में ले लेंगे 120, 140, 160, 180, 200, तो 200 तक पुराना है, तो यहाँ से हम लोग लेते चलते हैं 120 और यहाँ पे 140 और यहाँ 160, यहाँ 180, यहाँ 200, तो सबका हो गया, इसका हो गया। इसके बाद हम लोग वाई अक्ष में देखेंगे वाई अक्ष में कैसे चलेंगे। देखिए हाईएस्ट कितना है, 50 तक है, तो हम लोग 10-20 करके चलेंगे। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50,
तो अब हम लोग बनाते हैं ग्राफ। क्या करेंगे, एक्स वाले में खोजेंगे 120, 120 यहाँ है और वाई वाले में 12 है, तो यहाँ 10 आ गया। दो ऊपर चलेंगे, एक दो, यहाँ पे इसको घेर देंगे। इसके बाद यहाँ पे 140 है, 140 से 26 चलना है, 140 यहाँ है, अब 26, 20 तक आया, यहाँ 25, एक 26, यहाँ भी गोल चिन्ह कर देना है। इसके बाद 160 से 34 चलना है, एक्स वाला 160 है और वाई 34 है, तो ऊपर जाएगा, यहाँ 30 हो गया और 4 जाएगा, यहाँ 4 हो गया, इसको घेर देंगे। अब 180, 180 से कितना ऊपर चलना है, 40, तो यहाँ से चलते चलते यहाँ आ गया, इसको 40। अब 200 से 50 तक चलना है, तो यहाँ से 200 सीधा में ऊपर वाई में चलेगा, यहाँ पूर गया। अब इसको हम लोग मिलाते हैं, पहले इसको और इसको मिलाते हैं, ठीक, अब इसको मिलाते हैं, ठीक, अब इसको मिलाते हैं, अब ये ऊपर वाला को हो गया। अब इसका नाम रख देते हैं, यहाँ पे कितना खींचे, 120 से 12 है, यहाँ 140, 26 है, फिर यहाँ 160, इसके बाद यहाँ 180, 40, फिर यहाँ 250। अब हम लोग क्या लिखेंगे, कम प्रकार का तोरण, कम प्रकार का तोरण, ठीक, ये हो गया। अब इधर लिख देंगे संचयी बारंबारता, ठीक है दोस्तों।